नमस्कार, जियादो साहब भी जाने लॉकडाउन में कल से मिलने वाली छूट पर आखिर कैसा है देश का मिजाज। जियादो से इस खबर सुनने से पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते। गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से नए लॉकडाउन में कुछ क्षेत्रों की छूट देने की घोषणा की। इसका अर्थ है कि अधिक क्षेत्रों और श्रमिकों को काम करने की अनुमति होगी। इस सप्ताह की शुरुआत में गृह मंत्रालय द्वारा धारा 140 के अनुसार संशोधित किफ्त जारी करते हुए 20 अप्रैल से परिचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इन प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी आ सकती है, लेकिन पालन करते हुए संचालन की अनुमति दी जा सकती है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच सेवाएं, आईडीटी सेवाएं, सरकारी डाटा और कॉल सेंटर, ई कॉमर्स कंपनियां और उनकी संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। गृह मंत्रालय के इस निर्देश पर लोगों ने अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आपकी भी क्या राय, आप भी हमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लोकल सर्कल्स ने इस पर एक सर्वे किया कि राज्य सरकारों को इन निर्देशों को कैसे अपनाना और लागू कराना चाहिए। देश में 16,000 लोग सर्वे में भाग लिया है। लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए पहले सर्वेक्षण में 79% जी हां दोस्तों नागरिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 15 अप्रैल से कड़े प्रतिबंधों में पक्ष में थे। गौर मतलब है कि जिन जिलों में 21 दिनों बीतने के बाद भी कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया, वहां राज्य सरकार वाणिज्य और निजी प्रतिष्ठानों को गृह मंत्रालय के मुताबिक कार्य करने की अनुमति दे सकती है।